हमारी पार्टी के नेता श्री ओम सरस्वत जी इस स्थानीय निकाय के अंदर हमारे संगठन प्रभारी विजय सरस्वत जी और हमारे चुरू जिले के जिला अध्यक्ष भाई पंकज जी, जिला प्रमुख हरलाल जी और नगर परिषद के निवर्तमान सभापति विजय कुमार जी, राज्य में 49 जगहों पर स्थानीय निकाय के प्रथम चरण में चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर, जिन विषयों को लेकर चुनावी दंगल में उतरी है, राजस्थान के अंदर आज एक साथ लगभग 6 जगह से एक दृष्टि पत्र, जिस आधार पर हम स्थानीय निकाय के अंदर आम आदमी के राहत और विकास के लिए एक दृष्टिकोण के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं, उस दृष्टि पत्र का आज राजस्थान में इसी वक्त 6 जगहों से जारी किया जा रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता, हमारे प्रमुख नेता इसको जारी कर रहे हैं अलग अलग स्थान से। 44 बिंदुओं को लेकर हमें इस स्थानीय निकाय के चुनाव में उतरे हैं। राजस्थान के अंदर जब से गहलोत सरकार आई है, गहलोत सरकार ने स्थानीय निकाय और नगरीय निकाय के लिए, उनकी बेहतरी के लिए कोई भी काम नहीं किया। जो संवैधानिक अधिकार है, फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर जो राशि मिलती है स्थानीय निकाय को, उसको भी रोकने का काम किया है। 6 महीने की समीक्षा के नाम पर पूरे राजस्थान के अंदर जो एक साथ हर नगर पालिका परिषद के अंदर गौरव पथ बन रहे थे, अंबेडकर भवन बन रहे थे, उनके साथ साथ जो अमृत योजना के अंदर विगत केंद्रीय सरकार की जो स्वीकृति थी, उन सबको बाधित करने का काम किया है। इन मुख्य मुद्दों को लेकर राजस्थान में नगरीय विकास को अवरुद्ध करने के कारण से मौजूदा सरकार को आरोपित करते हुए, और जिस प्रकार का लुंज पुंज शासन अब चल रहा है, आज नगर में रहने वाला हर एक व्यक्ति खौफजदा है। नगरों के अंदर चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार होना आम बात हो गया। अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर है। यातायात की दृष्टि से रेलम पेल मची हुई है। दिन में यातायात पर नियंत्रण करना के बजाय पुलिस शाम को, दिन ढलते ही, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पर खड़े होकर लूट खसोट का काम कर रही है। आज पिछली सरकार ने जिन क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना के माध्यम से और एक केंद्रीय परिवर्तित योजना में विद्युत वितरण को एक प्रकार से नए रूप में देने के लिए जो अलग अलग योजनाओं में स्वीकृति जारी की थी, उन सारे काम को बाधित करने का काम मौजूदा सरकार कर रही है। हम अपने एक दृष्टि के साथ, एक दृष्टिकोण के साथ इस चुनावी दंगल में है जो आपके सामने है, जिसको अभी हम यहाँ से जारी कर रहे हैं, और एक साथ राजस्थान के अंदर इन 44 बिंदुओं को लेकर हम प्रथम चरण और दूसरे चरण के चुनाव को, चुनाव मैदान में उतर कर इसको लड़ेंगे।